नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुंबई में सीमाओं को तोड़कर बरसे बादल, भारी बारिश के बाद परेशानी बने, निचले इलाकों में भरा पानी। वहीं मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट पूरे हफ्ते के लिए किया है। पल पल मुंबई से विशेष रिपोर्ट। पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में काफ़ी पानी भर गया और धीरे धीरे सेवाएँ भी बहाल की जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य इलाकों में भी लगातार भारी बारिश जारी है। वहीं मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटों में और अधिक बारिश होने की चेतावनी दी है। कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी में भारी बारिश के बाद नदियों में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं NDRF की 16 टीमें राज्य में बारिश प्रभावित इलाकों में तैनात कर दी गई है। इसके 4 कोल्हापुर में भी भेजी गई हैं। मुंबई के चेबूर, परेल, हिंदबाटा, वडाला और भी कई ऐसे निचले क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी भर चुका है। हमारे पास कुछ वायरल वीडियो है जिनमें पानी घरों में घुस गया है और लोगों की खिड़कियों और दरवाजों से होते हुए पूरा घर पानी से भरा। पानी इतना ज़्यादा है कि हर तरफ गाड़ियां डूब चुकी हैं। किंग सर्किल और हिंद माता इलाके में भी भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा गिरगांव इलाके में भी यही हाल है। मुंबई के अंधेरी इलाके में कई फीट पानी भर गया। इसकी वजह से CM उद्धव ठाकरे ने परेड रोड और वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद में तेज हवाओं की वजह से पहाड़ का हिस्सा ढह गया था और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने वहाँ पर विजिट किया, किस प्रकार के हालात हैं इसका जायजा भी लिया। चारों तरफ सड़क पर पत्थर, कीचड़ और टूटे हुए पेड़ों का मलबा जमा हो गया है। उनके साथ राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। मौसम विभाग की माने तो 107 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यहाँ तेज चक्रवाती हवाएं चल रही हैं। ये हालात बुधवार को और ज़्यादा गंभीर हुए थे, जिसके कारण उपनगरीय ट्रेन और बस की सेवाओं को बाधित कर दिया गया, सभी कार्यालयों को बंद कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को घर के अंदर ही रहने की चेतावनी दी है। हालांकि भारी बारिश के बहाल हो जाने के बाद यातायात की सेवाएँ शुरू कर दी गई हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष। बाहर नहीं जाता कोई पार्ट। बंद है।